प्रॉपर्टी गुरुकुल चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारा चैनल आपको रियल स्टेट में एक्सपर्ट एडवाइस देने के साथ साथ रियल स्टेट में ट्रेनिंग भी प्रोवाइड करता है। मैं हूं राजवंत सिंह मौली, रियल स्टेट मेंटर, रियल स्टेट बुक्स का ऑथर, मोटिवेशन स्पीकर। आज का टॉपिक जो है रियल स्टेट इन रियल सेंस। वैसे तो मैंने रिस्क पे बात करनी है आपके साथ, परंतु ये रियल स्टेट के साथ ही जुड़ी हुई बात है, तो फिर मैं रियल स्टेट इन रियल सेंस ये भी आपको बताना चाहता हूँ कि जो रियल स्टेट और फेक स्टेट, आप यदि आपको दोनों के बारे में जानकारी है तो आप बेटर तरीके से कर सकते हो। लोग फेक स्टेट को ही रियल स्टेट बोलते हैं और वहीं पर जाके इन्वेस्ट कर देते हैं। इन्वेस्ट करने के बाद उनके पास फिर उनको परेशानी आती है, तो परेशानी मतलब उनके पैसे फंस जाते हैं, कई बार बैंक ब्याज भी नहीं मिलता, कई बार तो नुकसान भी हो जाता है। इसलिए आपकी आंख रियल स्टेट एंड फेक स्टेट दोनों को समझने के काबिल होने चाहिए। आपकी बुद्धि है जो ये दोनों चीज़ों में डिफरेंस जानने के काबिल होनी चाहिए कि रियल स्टेट क्या है और फेक स्टेट क्या है, इन्वेस्टमेंट क्या है और अपने लिए कोई चीज़ लेनी है वो क्या है, उसको खर्चा बोलते हैं। इन्वेस्टमेंट और खर्चे में फ़र्क आपको ज़रूर पता होना चाहिए। ये मैंने आज लिखा है रिस्क। रिस्क को मैंने अपनी किताब नॉट मैड सो बैड, जो मेरी है किताब है, मोटिवेशनल किताब है, जो उसमें मैंने रिस्क को चार शब्दों में दिया, रॉयल इनकम सोर्सेज आफ्टर नॉलेज। रिस्क लेके उसको मैनेज कर लेना, कैलकुलेटेड रिस्क लेके उसको मैनेज कर लेना, फिर आपको रॉयल इनकम सोर्सेज आ जाता है, उसमें आपको बहुत अच्छी आमदन, बहुत अच्छी सक्सेस मिल जाती है। जो आदमी रिस्क लेने से डरता है वो आदमी सारी उम्र अपनी ज़िंदगी को रिस्क में ही डाल के चलता है। जिस आदमी ने कभी ज़िंदगी में रिस्क नहीं लिया वो आदमी हमेशा पीछे पछड़ के चलेगा, वो आदमी हमेशा उसकी ज़िंदगी रिस्क में रहेगी। हमारे दोस्त अश्विनी बंसल सरहंद, वो आदमी, हम 2005-06 में उनके साथ हमारी काफ़ी एसोसिएशन थी, जाते थे, काम करते थे, तो उनको मैं कहता था यार थोड़ा बहुत रिस्क लेना सीखो। वो कहता जी मैं रिस्क के स्पेलिंग भी नहीं पढ़ने, मैं रिस्क के स्पेलिंग भी लिखने भी नहीं है, मैं कोई रिस्क नहीं लेना। और अभी तक ज़्यादा उसने काम नहीं किया, बल्कि कोई TVS की एजेंसी ले ली, उसमें उसका नुकसान हुआ, नुकसान होने के बाद वो काफ़ी मतलब नीचे आया आदमी, मतलब उसको पता 2006-07 में उसने एजेंसी ली TVS की, और उसके बाद फिर वो लगातार चलता रहा, 10-12 साल लगातार चलता रहा उसमें, और लगातार ही नुकसान करता रहा। मैंने एक स्टोरी सुनी है कि जब मेंढक को पानी में बिठा देते हैं और पानी गर्म करना शुरू कर देते हैं, तो कहते हैं मेंढक पहले पहले मज़ा लेता है उसमें भी पानी गर्म हो रहा है, और जब पानी जैसे जैसे पानी का टेम्परेचर बढ़ता जाता है वो जाता ही नहीं, बाहर नहीं निकलता, उसको और मज़ा आता है। और जब उसका बाहर निकलने का मन होता है, मतलब वो टेम्परेचर को सहार नहीं सकता, बियर नहीं कर सकता, तो वो कहता है मैं अब छलांग लगा के बाहर निकल जाऊँ, तब तक वो अपनी एनर्जी वेस्ट कर चुका होता है। मैं विज्ञानी नहीं हूँ लेकिन ये स्टोरी मैंने सुनी हुई है, इसलिए आपके साथ शेयर की है। यदि आपको लगता है कि यार आपके लिए रिस्क है, कोई पंगा है, तो आप उसको चेंज क्यों नहीं कर देते? एक ही चीज़ को 10-10, 12-12 साल क्या देखने की ज़रूरत है? मैं तो ये समझता हूँ कि हमने एक बार गए, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने में पता लग जाता है कि हम कहाँ खड़े हैं। यदि आपको लगता है कि हाँ इसमें बहुत कुछ हो सकता है, तो आपका जो विज़न है वो आपकी गवाही देता है इस बात की कि इसमें बहुत अच्छा रह सकता है, तो फिर आप उसके कंटिन्यू कर सकते हो, अदरवाइज आगे चलो। ये बंसल साहब ने भी यही किया। उसके यदि हम उल्ट लगाएं, अशोक कुमार यहाँ का मोहाली का, उस आदमी के पास कोई पैसे नहीं थे, साइकिल की दुकान थी, साइकिल की पंचर की या साइकिल बेचता था वो, जो भी करता था, पुर्जे पर्जे बेचता था। तो जैसे जैसे उसके पास थोड़े बहुत पैसे आए तो मोहाली में सेक्टर कटा एक, और तब 1200 रुपये गज के हिसाब से अलॉटमेंट हुई थी। अशोक कुमार के पास 1-1.5 लाख के आसपास ही था, तो प्लॉट का रेट था 2 लाख रुपया, और एक प्लॉट की जो बुकिंग थी वो 20,000 के आसपास हो जाती थी।
यदि 2 लाख रुपए प्लॉट है तो 20,000 10% लेके या 15% देके बुकिंग हो जाती थी। आज 25% लेते हैं लोग बुकिंग का, 25 से भी ज़्यादा मांगते हैं, लेकिन तब हो जाती थी। तो उसने पास, उसके पास जो 1.5-2 लाख रुपया था, उसने सारे का सारे रिस्क में ले लिया, सारे के सारे प्लॉट ले लिए जितने भी वो ले सकता था, और बाकी के प्लॉट अपने दोस्तों में दिला दिए। मतलब सप्लाई चेन ख़त्म कर दी, सप्लाई चेन ख़त्म कर दी, और वहाँ जो रेट था 2 लाख रुपए का था वो 3 के आसपास चला गया। पैसे नहीं है देने के, पैसे उसके पास पूरे जितने उसने प्लॉट लिए उनके पास पैसे नहीं थे पेमेंट करने के, लेकिन उसने मैनिपुलेशन की, रिस्क लिया, रिस्क को मैनेज किया। रिस्क को मैनेज करने के बाद वो आदमी ने वहाँ से पैसा कमाया, और आगे जाते जाते वो कहीं बहुत बड़ी टॉप आदमी है आज। तो मतलब यदि आपने रिस्क के स्पेलिंग ही नहीं पढ़ने तो फिर आपकी ग्रोथ ज़्यादा नहीं हो सकती। मैं आपके सामने खड़ा हूँ, मैंने ज़िंदगी में बैंक की नौकरी छोड़ी, उसके पहले टेलीफोन एक्सचेंज की नौकरी छोड़ी, रिस्क लिया, रिस्क लेके ही बंदा आगे बढ़ता है। यदि आपका बादाम खाने का मन हो तो आपको जो आपके हाथ में मूँगफली का पैकेट है वो छोड़ना ही पड़ेगा। यदि आपके हाथ में मूंगफली है उसको छोड़ के ही बादाम उठा सकते हो। यदि ये कहो कि मैं मूंगफली भी हाथ में रख दूं और बादाम भी उठा लूं तो ये पॉसिबल नहीं है, यह बहुत मुश्किल काम है। तो यदि आप छोटी छोटी बातों को सेक्रीफाइस कर दोगे, छोटी छोटी बातों की कुर्बानी दे दोगे, रिस्क ले लोगे, रिस्क ले के उसको मैनेज कर लोगे, तो फिर ये रॉयल इनकम सोर्सेज बन जाते हैं आपके आफ्टर नॉलेज। तो दोस्तों ये हमने रिस्क लेने हैं, डरना नहीं है। हमें स्कूलों में सिखाया जाता है, हमारे समाज में हमारे माँ बाप सिखाते हैं, हमारे कुलीग सिखाते हैं, यार हम रिस्क नहीं लेते। ओ भाई, सारी उम्र कोई रिस्क ना लेना भी सबसे बड़ा रिस्क है। आप कैसे रिस्क से बाहर कैसे जा सकते हो? हम कारों में, मोटरसाइकिल, बाइक पे रोज़ एक्सीडेंट होते देखते हैं, रोज़ मौतें होती देखते हैं। ये रिस्क नहीं है? हम जब घर से निकलते हैं रिस्क है ना, तो फिर भी हम रिस्क लेते हैं ना, कैलकुलेटेड रिस्क लेते हैं। तो कैलकुलेटेड रिस्क जरूर लेने चाहिए ज़िंदगी में। यदि आप कैलकुलेटेड रिस्क ले लोगे तो फिर आप 100% आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, और आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा हुआ लेवल है वो आपको तरक्की के रास्ते पर लेके जाएगा। यदि हम बच्चा कोई बोरवेल में गिर गया था, काफ़ी प्रिंस था उसका नाम, वो नीचे चला गया, अब उसके आसपास डिगिंग हो रही है, उसको मतलब टोए खोदे जा रहे हैं, उसमें नीचे जा रहे हैं, तो कितना रिस्क है? क्या बच्चे को हम मरने के लिए छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकते। बोरवेल में तो यदि हम नहीं उसको उसमें टोए वगैरह नहीं, गड्ढे नहीं खोदेंगे तो बच्चा तो वहीं मर जाएगा। तो बच्चे को निकालने के लिए और रिस्क लेना पड़ा। भाई कई बार एक जो पैर में आपके कांटा चुभ जाता है तो एक कांटे को निकालने के लिए दूसरा कांटा मारना पड़ता है। तो इसी तरीके से आपको रिस्क है जो ज़िंदगी में, ये लेने चाहिए, रिस्क लेने से डरना चाहिए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहता हूँ कि आपको तैरना नहीं आता, आप 100 फुट गहरे पानी में नहीं कूद सकते, नहीं कूदना चाहिए आपको, लेकिन जहाँ आपकी कैलकुलेशन बैठती है कि हम इसको मैनेज कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा रिस्क ले सकते हैं, तो वो लेना ही चाहिए। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक शेयर और चर्चा करना इसके ऊपर, और आपका सवाल कमेंट बॉक्स में। वीडियो आपके लिए है, ये चैनल आपके लिए है, इसलिए आप इस चैनल का सब्सक्राइब वाला बटन दबा के साथ में घंटी वाला बटन भी दबा दो, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। बहुत जल्द मिलेंगे, सीखते जाओ, पढ़ते जाओ, सीखेंगे हम, पढ़ेंगे हम, तभी तो आगे बढ़ेंगे हम। थैंक यू वेरी मच, बहुत जल्द नए टॉपिक के साथ आपके सामने रूबरू होऊंगा। थैंक यू वेरी मच, खुदा हाफिज़।